नाउ क्लास सी एक्सरसाइज 5.9 पेज नंबर 70 ए क्वेश्चन है यहां पे फाइंड द प्रेजेंट एंड द रिमाइंडर फाइंड द प्रेजेंट एंड द रिमाइंडर आल्सो वेरीफाई योर आंसर तो मैं यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए यहां पे बताने जा रहा हूं 7 से डिवाइड करना है 3745 डिवाइडेड बाय 7 यहां पे वन डिजिट है डिवीजन में हम वन डिजिट देखेंगे डिविडेंड में यहां 3 है यहां 7 3 इज लेस देन 7 गो टू नेक्स्ट डिजिट डिविजन 37 यहां पे हम जाएंगे मीन से डबल डिजिट नहीं क्योंकि यहां पे 3 कम है 7 से तो 7 का टेबल 37 में कितनी टाइम आएगा या 7 के टेबल में 37 कब आता है अगर नहीं आता या तो इक्वल आना चाहिए इसके 37 के या फिर इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए 75 या 35 76 या 42 तो उसी टाइम करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम 75 या 35 माइनस करिए 7 माइनस 5 2 3 माइनस 3 0 आंसर हो गया ये 4 ब्रिंग डाउन 4 इट बिकेम 24 7 3 या 21 7 4 या 28 28 ज्यादा हो जाएगा 7 3 या 21 माइनस करिए 4 माइनस 1 3 एक आंसर हो गया ब्रिंग डाउन 5 75 या 35 ये आपका कैंसिल हो गया अब कह रहा है रिमाइंडर यहां पे भी कुछ नहीं बचा यानी कि जीरो बचा है रिमाइंडर यहां जीरो बचा है वेरीफाई करना है आंसर वेरिफिकेशन फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए आइए डिविजन कितना है डिविजन है 7 डिविडेंड कितना है तो क्वेश्चन कितना है 535 रिमाइंडर क्या है 0 तो 0 ऐड करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसलिए हम 0 नहीं लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करिए इसको 75 जा 35 कैरी 3 73 जा 21 3 24 कैरी 2 75 जा 35 एंड टू 37 ये देखिए डिविडेंड आपका आ गया 3745 डिविडेंड यहाँ भी 3745 है तो ये आपका आंसर मीन्स सही है मीन्स आपने डिवाइड सही किया अगर आपका डिविडेंड ये चेक करते हैं इसे ये मैच करता है तो सही अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर कुछ भी नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया अगर रिमाइंडर बचता है यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4 5 तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसमें जो बचता है उसको प्लस करते हैं तो इतना आपको मिल जाता है तो इसी तरीके से इसमें सारे क्वेश्चन हैं तो होमवर्क आपको नोट कर लीजिए सॉल्व एक्सरसाइज 5.9 आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं मिस यू ऑल द बेस्ट